वन गमन के लिए तैयार श्री राम माता कौशल्या से विदा ले चुके हैं, किंतु साथ जाने के लिए दृढ़प्रति की पत्नी सीता से माता की उपस्थिति में कुछ भी कहने में उन्हें संकोच हो रहा है। उधर समय अपनी गति से निकला जा रहा है, अतः सीता के लिए उनकी सिखावन भी अनिवार्य है कि यदि वो अपना और पति का कल्याण चाहती हैं, तो उन्हें श्रीराम की आज्ञा मानकर घर पर ही रहकर सास की सेवा करनी चाहिए। आदर पूर्वक सास ससुर के चरणों की सेवा से बढ़कर कोई दूसरा धर्म नहीं है। पत्नी से श्रीराम का कहना है, हे सुमुखी, जब जब प्रेम से व्याकुल होकर माता मुझे याद करें, तब तब उन्हें पुरानी कथाएं सुनाकर धीरज बंधाना। मेरी आज्ञा मानकर घर पर रहने से गुरु तथा वेदवाणी द्वारा सम्मत आचरण का फल बिना किसी क्लेश के तुम्हें मिल जाएगा। हठ करने के कारण गालव ऋषि तथा राजा नहुष जैसों ने केवल कष्ट ही सही है, किंतु वन प्रवास में होने वाले घोर कष्टों का वर्णन सुनकर भी सीता ने अपना निश्चय नहीं बदला। वन मार्ग में नंगे पैरों में चुभने वाले कुछ कांटे और कंकड़, दुर्गम पर्वत और भू, रीच बाघ भेड़िए सिंह आदि के डरावने गर्जन तर्जन की आशंका उन्हें तनिक भी विचलित नहीं कर सकी। वन के भीषण सर्पों, भयानक पशु पक्षियों तथा स्त्री पुरुषों को उठा ले जाने वाले राक्षसों के झुंड का वर्णन भी सीता को उनके निर्णय से नहीं दिखा पाए। Thank you.
असहृदय बिचारी चंद बदनी